दिवस के उपलक्ष्य में बैठे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पे। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि शिक्षक दिवस ही 5 सितंबर को मना दिया जाए। और आज आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग भी ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस यही कहेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा आपके साथ हमारे साथ आपके डायरेक्टर सर सुधीर सर आए हैं और दो शब्द आप लोगों को बोले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। सर शिक्षक दिवस पे सभी को बेसिकली बधाई और जितना तरीके से आप लोगों ने किया है नया फिल्म मैसेज में बहुत ही काबिले तारीफ है। और हम समय नहीं दे पाए लेकिन सेकेंड और फर्स्ट हाफ में खास करके तो हम आ नहीं पाए थे, लेकिन आज अभी आए हैं और उनको देख करके हम सुली मिस करेंगे। सुबह वाला भी बहुत अच्छा हुआ होगा और हम लोग एक नए तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले एक साल हम लोग इस तरीके से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए हैं उसको और इस तरीके से इफेक्टिव बनाए कि हम लोग इसमें जितने बैठे हुए लोग हों कि अगले एक साल या जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ग्रेजुएशन के बाद कम से कम सभी लोग, हम लोग तो यही चाहेंगे एज ए शिक्षक कि आप लोग सभी का जो अपना टारगेट जो भी आप रहते हुए बैंक SSC कहीं भी वो आप लोग को मिले। और उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है जो कि भाई मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। टीचर्स जो हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं बिलीव मी तो वो इतना जरूर सफिशियंट है, अगर उस पर हम लोग कमांड पा लें तो आप लोग में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जॉब नहीं ले पाएगा, इसकी तो गारंटी हम दे सकते हैं। मैंने इसमें इस बच्चे में हम नहीं जानते हैं कि हम ना पढ़ाए हैं लेकिन टीचर लोग जो बताते हैं इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जॉब नहीं ले पाएगा एकदम गारंटी के साथ। सिर्फ आप लोग बस यही चीज़ है जितना सर लोग पढ़ाते हैं जितना हम लोग के स्टडी मटेरियल उस पर कमांड पाना, बस ये हमेशा बोलते हैं ये प्रूवेन मेथड है। और इस मेथड से अगर हम लोग आगे बढ़े टेस्ट प्रॉपरली दे जितने चीज़ें बताया जाता है उसको ठीक से करें तो शिक्षक दिवस में शिक्षक यही चाहेगा। शिक्षक सबसे ज़्यादा खुश कब होता है जब उसका विद्यार्थी उससे अच्छा करे। तो ये जो हम लोग का तो यही हमेशा टेंडेंसी रहता है कि हमारा विद्यार्थी हर एक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भी जाना चाह रहा है उस क्षेत्र में अव्वल रहे। और बिलीव मी यहाँ पे से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया पैन इंडिया स्टेट लेवल पे टॉप भी करते हैं बैंक चाहे SSC। तो आप लोग और यही मैथोलॉजी पढ़ाया जाता है इसमें सिर्फ जो टॉप करते हैं या जो नहीं कर पाते उसमें सिर्फ यही है कि मेहनत क्यों नहीं कर पाते। अगर मेहनत कर पाइएगा 100% आप लोगों का सक्सेस होगा, ये मेरी इसके लिए शुभकामनाएं भी और हम समझते भी हैं ये हमारा विश्वास भी है। थैंक यू सो मच। आपके गणित के शिक्षक पवन सर से टारगेट रहता है वो है कि आप लोग पढ़िए और जॉब लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक आपको सपोर्ट होता है आप लोग को भी अच्छी तरह से मालूम है कि हम सपोर्ट देने के लिए चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो उस सब का कंसेप्ट आप लोग को हम बताते भी हैं। और आज के दिन आप लोग टारगेट लीजिए जो भी आपका एम है चाहे वो बैंक की तरफ या SSC की तरफ उसको पूरा करना। और ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ 6 मंथ, और 6 मंथ से ज़्यादा अगर ड्यूरेशन करते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वो 6 मंथ 10+2 लेवल भी होता है। और आज के दिन एकदम टारगेट लीजिए, घर पर जाकर आज लिख लीजिएगा कि आज 5 सितंबर डेट भी लिख लीजिएगा 6 मंथ के अंदर में आपको जॉब लेना है, ठीक है। और आपके पास उतना एफिशिएंसी भी है, हमेशा आप लोगों को बताते भी हैं कि आप लोगों के पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज जाकर घर पर सोचिए 10-15 मिनट बैठिए और अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर उतना पावर है, ठीक है। चलिए ओके थैंक यू। देखिए विद्यार्थियों एक लाइन याद रखिएगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा।